अगर आप इस मूवी के आगे की कहानी देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पर और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। कहानी शुरू होता है बनारस काशी के गंगा जी को दिखाते हुए। इस कहानी का मेन किरदार ओपू, ओपू की माँ सर्वजया एक हाउसवाइफ है और ओपू की बाप हरिहर राय कुलीन ब्राह्मण। गंगा जी के घाट में पूजा करके जो मिलता है उसी से ही उन लोगों का गुजारा होता है। ओपू की फैमिली वहां पर किराए के मकान पर ग्राउंड फ्लोर पर रहता था। फर्स्ट फ्लोर पर एक बिहारी परिवार रहता था और थर्ड फ्लोर पर नंदो बाबू जो ठीक कैरेक्टर का बंदा नहीं था। ओपू का बाप गंगा जी के घाट पर पूजा करता रहता था और ओपू सारा दिन भर दोस्तों के साथ यहाँ वहाँ घूमता रहता था। खाने पीने का कोई भी उसे होश नहीं था। पूरा परिवार एक बार भोलेनाथ जी के दर्शन के लिए गया था। संसार में अभाव तो था लेकिन जैसे तैसे उन लोगों का गुजारा हो रहा था। फिर आई दिवाली की रात। ओपू का बाप बीमार होकर घर लौटता है। ओपू की माँ ये देखकर ओपू को अपने बाप के पास बिठाकर चंदन पीसने चली जाती है। तब के समय पर अगर कोई बीमार पड़ता है तो उसे चंदन पीस के पिलाया जाता था। माना जाता था इससे बीमारी ठीक हो जाता है। नेक्स्ट दिन ओपू का बाप फिर से काम पे चला जाता है लेकिन उनके शरीर को शायद ये मंजूर नहीं था। वो बीमार होके वहीं पे बेहोश हो जाता है गंगा जी के तीर पे और वहाँ पे कुछ इंसान उनको पकड़कर घर छोड़ जाता है। फर्स्ट फ्लोर वाले फैमिली की मदद से ओपू की माँ ओपू के बाप के लिए डॉक्टर बुलाता है। ऐसे ही दिन गुजर रहा था। ओपू की माँ एक बार जब अकेली थी नंदो बाबू कुछ बैड इंटेंशन लेके उनके पास जाता है लेकिन ओपू की माँ समझ जाती है और एक चाकू लेकर उनको डरा कर वहाँ से भगा देता है। ओपू की बाप का हालत दिन ब दिन और ज़्यादा बदतर होते जा रहा था। उनका शरीर और सह नहीं पा रहा था। आखिर में वो दम तोड़ देता है। इसके बाद बहुत दिन गुजर जाता है। ओपू की माँ अभी दूसरों के घर में खाना बनाने की काम करती है और ओपू वहीं पर ही रहता है। अचानक से उन लोगों के घर में ओपू का दूर का रिश्तेदार ओपू का बड़े पापा उन लोगों से मिलने आता है। असल में उनका कोई परिवार में अभी जिंदा नहीं है, एक विधवा बेटी है, इसलिए वो यहाँ वहाँ तीर्थ करके घूमता रहता है। इसी हिसाब से वो काशी पर भी आया था। काशी पर वो कुछ दिनों तक ठहरेगा। वो ओपू की माँ को ये सुझाव देते हैं उनके साथ उनके गांव चलने के लिए। ओपू ब्राह्मण का लड़का है, वहाँ पे जाके पूजा पाठ सीख लेगा। पहले तो ओपू की माँ मना कर देती है लेकिन बाद में जब देखती है ओपू की माँ जिस घर में काम करती थी उस घर के लोग ओपू को देकर हुक्का जला रहा है, ये देखकर वो ओपू के बड़े पापा के घर आ जाता है। ये परिवेश पूरा गांव-गांव टाइप का है, एकदम खुला आसमान, ताज़ी हवा, दूर तक फैली हुई हरियाली, दूर से जाती हुई ट्रेन। वहाँ पे पहुँचने के बाद ओपू का पूजा पाठ की विधि रस्में शुरू हो जाता है। ओपू ठीक ठाक से सीख भी रहा था लेकिन वो तो अभी बच्चा है, खेलने कूदने का उम्र है उसका, इसलिए वो देखता था उसके उम्र के सभी बच्चे खेलते हैं, कूदते हैं, एक साथ स्कूल जाते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, इसलिए वो अपने माँ को आके बोलता है, माँ मैं स्कूल जाऊँगा। ओपू को माँ उसे बोलता है, पूजा पाठ और पढ़ाई लिखाई एक साथ कर पाएगा? ओपू जवाब देता है, पूजा पाठ तो सुबह रहता है, दोपहर को मैं स्कूल चला जाऊंगा, तुम चिंता मत करो, मैं संभाल लूंगा। ओपू का स्कूल का प्रिंसिपल बहुत ही डिसिप्लिन था। ऐसे ही एक बार ओपू के स्कूल में इंस्पेक्टर विजिट के लिए आया था। वहाँ पर ओपू का पढ़ाई लिखाई में परफॉर्मेंस देखकर बहुत ही खुश हुआ था। ये देखकर ओपू के स्कूल के प्रिंसिपल बहुत ही खुश हुए थे और ओपू की पढ़ाई लिखाई के ऊपर और ज़्यादा महत्व देना शुरू कर दिया था। ओपू को छोटे से ही पढ़ाई लिखाई में बहुत ही मन था, वो बहुत ही ब्रिलियंट बच्चा था। ऐसे ही कुछ साल गुजर जाता है। ओपू पूरे जिला में बोर्ड के एग्जाम में सेकेंड आता है। इसके बाद पढ़ाई लिखाई के लिए ओपू को कोलकाता जाना पड़ेगा। हर महीने 10 रुपये करके स्कॉलरशिप मिलेगा लेकिन कोलकाता रहने के लिए वहाँ पे कोई इंतज़ाम नहीं था, इसीलिए स्कूल का प्रिंसिपल एक रिकमेंडेशन लेटर लिख देते हैं जिससे ओपू का खाने का, पीने का, रहने का और काम करने का बंदोबस्त हो जाएगा। लेकिन ओपू का माँ
कैसे समझाएगी अपने दिल को, अपने दिल के टुकड़े को इतना दूर कैसे भेज देगी। आखिर में अपने दिल के ऊपर पत्थर रख के वो अपने बेटे को कोलकाता भेज देती है पढ़ने लिखने के लिए। ओपू कोलकाता पहुंचता है, वहाँ पर एक प्रेस पे जाके वो प्रिंसिपल वाला चिट्ठी दिखाकर वहाँ पे रहने का और प्रेस में रात में काम करने का इंतज़ाम हो जाता है, दिन में कॉलेज और रात में काम। जब वो फ्री टाइम मिलता था, छुट्टी मिलता था, अपने माँ से मिलने गांव आ जाता था। रात में काम करने की वजह से कभी कभी वो अपने पढ़ाई के ऊपर कंसंट्रेट नहीं कर पाता था, तो इसीलिए उसे क्लास से भी बाहर निकाल देता था। कभी कभी वो अपने फ्रेंड के साथ घूमने चला जाता था, कोलकाता को एक्सप्लोर करता था। छुट्टी में ओपू अपने गाँव आता है माँ से मिलने। उसकी माँ तो उसे देखने के बाद खुशी से समा ही नहीं पा रही थी। आते ही उसे पूछने लग गई, वहाँ पे कैसे रहता था, क्या खाता था, ठीक ठाक खाता तो था, कैसे चलता था, क्या क्या देखा वहाँ पे। सवाल जैसे ख़त्म होने की नाम ही नहीं ले रहा था। ओपू गांव पे आने के बाद बहुत ही अकेला फील कर रहा था। शहर में तो उसका वहाँ पे पढ़ाई था, फ्रेंड था, काम था, तो कभी अकेला फील नहीं हुआ, इसीलिए यहाँ पे उसे अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन ओपू की माँ तो हमेशा से ही अकेली ही थी, उसके साथ तो कोई भी नहीं था। उम्र की इस पड़ाव में आके अपनों का साथ बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। तन्हाई जैसे काटने को दौड़ती थी। ओपू की माँ ओपू को बहुत समझाता है कि दूसरे दिन कोलकाता चले जाना, लेकिन नेक्स्ट दिन ही ओपू कोलकाता चला जाता है। जाने के टाइम पे ओपू को ऐसा फील होता है, माँ के लिए बहुत ही बुरा फील होता है, इसलिए वो वापस चला आता है। लेकिन फिर से वो नेक्स्ट दिन कोलकाता चला जाता है और उसकी माँ फिर से अकेली हो जाता है, इंतज़ार करने लग जाती है, आस लगाए बैठी रहती थी, अब आएगा मेरा बेटा, अब आएगा मेरा बेटा। कोलकाता लौटने के बाद ओपू अपने काम और पढ़ाई में बहुत ज़्यादा ही बिजी हो जाता है। बहुत दिनों तक वो अपने माँ को कोई भी चिट्ठी नहीं भेजता है, तो इसके लिए उसकी माँ बहुत ही चिंता करती है। वहाँ पे सब कुछ ठीक तो है ना, उसकी माँ चिट्ठी लिखती है अपने बेटे को, अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे शेयर कर सकता है, ठीक ठाक खाना तो खा रहा है ना, अगर पैसे की ज़रूरत है तो मुझे बोलना, मेरे पास थोड़ा सा पैसा जमा हुआ है, बहुत दिन हो गया तुझे देखे हुए, तू कब लौट रहा है। और इधर देखते देखते ओपू की माँ भी बीमार पड़ जाती है। बाहर जब दूर से ट्रेन जाती थी तब ओपू की माँ यही सोचती थी, इसी ट्रेन में मेरा बेटा अभी लौटेगा। दिन जाता है, हफ्ते जाता है, महीने जाता है, माँ आंस लगाए बैठी हुई है, अब लौटेगा मेरा बेटा, लेकिन ओपू नहीं लौटा। ओपू के पढ़ाई के ऊपर कोई प्रेशर ना आए, इसलिए वो अपने बीमारी को भी छुपा लेती है। ओपू अपने माँ को चिट्ठी लिखता है, सामने एग्ज़ाम है, कोलकाता पे रहना बहुत ज़रूरी है, वो आ नहीं सकता। ऐसे ही बहुत दिन गुजर जाता है, गांव से एक बार चिट्ठी मिलता है, उसकी माँ बहुत बीमार है, ये सुन के वो गांव चला आता है। आकर वो यहाँ वहाँ अपने माँ को ढूंढने लग जाता है, माँ माँ बोल के बुलाने लग जाता है, लेकिन कहाँ है उसका। आखिर में उसे अपने बड़े पापा से पता चला, उसके पढ़ाई लिखाई के ऊपर कोई प्रेशर ना आए इसीलिए उसे कुछ इन्फॉर्म नहीं किया था उसकी माँ। बहुत दिनों तक वो बेचारी बीमार रही और आखिर में वो भी चली गई। जैसे ओपू का पूरा संसार ही उजड़ चुका था, वो बहुत ही टूट गया था, बहुत रोने लग गया, फिर से वो एक बार अनाथ हो गया। शायद यही उसका नसीब है, अकेले रहना। इसके बाद उसकी माँ का कुछ सामान लेके वो हमेशा के लिए कोलकाता चला जाता है। और इसी तरह इस कहानी का दी एंड होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।